गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग मैथ्स की 12th क्लास की सारे चैप्टर्स को वन बाय वन करके कवर अप करेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है। ज्ञान टॉपर्स ट्यूटोरियल से मैं विकास कुमार आप लोगों के लिए मैथ्स की CBSE बोर्ड्स, बिहार बोर्ड और जो भी ICSE बोर्ड्स, सारे बोर्ड्स को कवर करेगी। ये कंप्लीट सिलेबस को वन बाय वन करके सारे चैप्टर्स को कवर अप करेंगे, ठीक है। तो मुझे पता है वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ये चैप्टर्स को कवर कर चुके होंगे, रिलेशन एंड फंक्शंस को, और इसे एक टफ चैप्टर के तौर पर भी लोग एज्यूम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। रिलेशन एंड फंक्शन एक नए अंदाज में हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पे हर एक कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करते हुए वन बाय वन फ्रॉम जीरो लेवल टू अपेक्स लेवल तक हम लोग इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें हर एक टॉपिक्स को कवर अप करेंगे हम लोग। कुछ इससे पहले 11th में पढ़ चुके होंगे रिलेशन एंड फंक्शंस, जहाँ पर इसकी बेसिक्स कंसेप्ट को बताई गई है 11th के स्टैंडर्ड में। बट ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल नए हैं और बिल्कुल स्क्रैच से हम लोग पढ़ेंगे। सो फर्स्ट क्लास हम बेसिक कंसेप्ट्स को डील करेंगे, जहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शंस की कुछ बेसिक चीज़ें जो 11th में ऑलरेडी कवर अप हो चुकी है, उन चीज़ों को कवर अप करेंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे, तो रिलेशन एंड फंक्शन जो 12th की चैप्टर है, जहाँ पर हम लोगों को टाइप्स ऑफ रिलेशंस और फंक्शंस में फंक्शंस के जो टाइप्स हैं उनको कवर अप करना है, तो वो टॉपिक हम लोग आराम से जब बेसिक्स को क्लियर कर लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको कवर करेंगे। तो अभी हम लोगों का क्या मेन फोकस होगा, रिलेशन एंड फंक्शंस की बेसिक कंसेप्ट जो 11th में ऑलरेडी जो लोग पढ़ चुके हैं वो एक बार फिर से देख लेंगे, उनका रिविजन हो जाएगा, और जो लोग बिल्कुल नए हैं, जो रिलेशन एंड फंक्शंस में बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े हैं, उनके लिए भी वो बिल्कुल फोकस करके एक एक कंसेप्ट को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। कुछ भी टफ नहीं है इसमें, एकदम आसानी आसान लैंग्वेज में समझाएंगे और रिलेशन एंड फंक्शन की सारी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बस जो मैं यहाँ पे डील करूँगा उसको बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हम लोग संबंध एवं फलन, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, संबंध एवं फलन, संबंध से सब लोग वाकिफ होंगे। और फलन यानी फंक्शन, ठीक है। तो संबंध क्या होता है, इस टर्म तक पहुंचने से पहले हम लोगों को कुछ इसकी बेसिक चीजें, आखिर ये टर्म्स आई कहां से, तो हम लोग इसको जानने के लिए थोड़ा और पीछे चलेंगे। जो 11th की चैप्टर ही है सेट थ्योरी, सब लोग पढ़े होंगे सेट थ्योरी, पढ़े होंगे सेट समुच्चय, पढ़े होंगे सब लोग। ऐसा मैं ज़ूम करता हूँ कि सब लोग सेट के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी हम सेट के बारे में थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को रिलेशन समझने में आसानी होगा। सब चीज़ का कोई ना कोई कनेक्शन होता है, तो रिलेशन का कनेक्शन हम लोग को मिला कहाँ से, सेट से। समुच्चय हम लोगों को समझना पड़ेगा रिलेशन को समझने के लिए। तो रिलेशन वर्ड समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या समझना है, सेट। ये सेट क्या होता है, यानी समुच्चय क्या होता है। तो समुच्चय के बारे में सब लोग जानते होंगे, समुच्चय को अगर आसान भाषा में अगर हम लोग कहें तो ये क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, किसी भी चीज़ का वो कलेक्शन हो, जिसका वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात करेंगे अगर हम लोग, तो वो होता है समुच्चय। जैसे अभी चल रहा है IPL, आप लोगों को पता ही है, अगर हम आप लोगों को बोले कि IPL में कितने टीम्स हैं और उन टीम्स का नाम बताइए आप हम लोग, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबका टीम, सबको टीम्स के नाम पता होंगे और सब लोग टीम का नाम्स को लिख के आप लोग हमें दे दिए। सपोज आप लोगों ने सारे टीम्स के नाम दे दिए, एक बी सी, सबका नाम लिख के आप लोगों ने दे दिया, ठीक है। हो सकता है ये आप कोई स्टूडेंट है जो वो उसको इस ऑर्डर में दिया है, कोई किसी और ऑर्डर में दिया, लेकिन कंटेंट इसकी जो एलिमेंट्स होंगे वो यही होंगे, फिक्स होंगे कि अगर IPL में ये सारी टीम है तो मतलब यही होंगे। ऑर्डर बदल सकता है, उसकी ऑर्डर बदल सकती है, लेकिन जो उसकी वैल्यू है वो नहीं चेंज होगी, ठीक है। यानी जो उसमें कंटेंट है, जो उसकी
जो ऑलरेडी वो एग्जिस्ट कर रहा है, जो वही हो सकता है उसमें। या अगर आईपीएल की टीम की बात करें तो मतलब जैसे 8 टीम्स हैं तो वो 8 ही टीम्स होंगे, ऑर्डर उसके अलग अलग दे सकते हैं स्टूडेंट हमें। तो हम लोगों को क्या करना है कि कलेक्शन देखना है। जैसे अगर हम बात करें कि नेचुरल नंबर की कलेक्शन, तो ये एक सेट होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आप लोग सुनते होंगे, सेट ऑफ इंटीजर सुनते होंगे, सेट ऑफ होल नंबर सुनते होंगे, ये सब क्या है? ये एक सेट है, मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का एक प्रॉपर कलेक्शन है जिसको जिसका कोई ना कोई मतलब है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो सेट क्यों समझ लिए हम लोग, उसके बाद हम लोगों को एक और चीज़ समझना होगा रिलेशन तक पहुँचने के लिए, जो है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, यानी क्रमिक युग्म क्या होता है। तो क्रमिक युग्म के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ठीक है। ये सब बेसिक्स है तो थोड़ा फास्ट होगा, लेकिन जो पढ़ लिए हैं वो थोड़ा बस देखते रहेंगे ताकि उन लोगों का रिविजन हो जाए। और जो पहले बार रिलेशन एंड फंक्शन को समझ रहे हैं, जो एलेवंथ में बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, और बहुत सारे ट्वेल्थ के स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एलेवंथ की बहुत सारे चैप्टर्स को वो डील नहीं किए होते हैं, इसलिए उनको ट्वेल्थ में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और रिलेशन एंड फंक्शन की एक खास बात बता दें कि अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। अगर हम मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर बात करें तो इससे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन तो डैम श्योर आएगा ही आएगा। तो वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन ट्वेल्थ के सिलेबस से आती है, ये सब चीज़ों से नहीं आती है। ट्वेल्थ की सिलेबस जो हम लोग कल पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस, वहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो उनको करने का एकदम आसान तरीका, सारे रिफ्लेक्स रिलेशन के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको करने का एकदम आसान तरीका आप लोग को समझाएंगे, जिससे आप लोग वो 4 नंबर ईजिली ग्रैब कर सकते हैं। तो ठीक है, ये तो हो गया मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये बोले बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसके पीछे वजह क्या है? अगर हम लोग मैथ्स की बात करें तो आप लोग को पता है कि मैथ्स जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, और ट्वेल्थ की मैथ्स सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। क्या है कि उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छी अच्छी कंटेंट्स हमारे पास होती है, जो आगे चल के हम लोगों को बहुत सारे फील्ड में अप्लाई करना होता है। तो अगर सबसे अगर इम्पोर्टेंट चैप्टर की अगर हम बात करें ट्वेल्थ में, तो वो होता है कैलकुलस। आप सब जानते होंगे कैलकुलस, बहुत लोगों को कैलकुलस से फोबिया भी है, बहुत लोग इंटरेस्टिंग भी समझते हैं। तो दिक्कत क्या है इंटरेस्टिंग वाले में और फोबिया वाले स्टूडेंट्स में, क्या दिक्कत है? उन लोगों को बेसिक्स नहीं पता है। कैलकुलस को समझने के लिए अगर आपको रिलेशन एंड फंक्शन समझ में नहीं आया तो आपके लिए कैलकुलस एक बोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि पहले रिलेशन एंड फंक्शन की हर एक कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे। जब हम कैलकुलस पे आएंगे तो हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ें परेशान नहीं करेगी, ठीक है। तो हम लोगों का बेसिक मोटो क्या है इस चैप्टर को समझना, ये 4 नंबर ग्रैब करना सबसे पहला, और दूसरा जो है इसकी हर कंसेप्ट को समझने का एक जो मेन मोटिव है वो हमारा जो मेजर सेक्शन जो ट्वेल्थ की जो मेजर सेक्शन की जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो कैलकुलस पार्ट से, उसको आसान तरीके से समझ लेना, ठीक है। इसलिए हम लोग अभी रिलेशन एंड फंक्शन की हर एक छोटे से छोटे टर्म को डील करते हुए चलेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल मेरे साथ मुझे फॉलो करेंगे और हर एक लेक्चर को एकदम लाइन वाइज देखते चलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर की। ऑर्डर्ड पेयर यानी हिंदी में से क्या कहते हैं? क्रमिक युग्म, ठीक है। तो ये क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर? आप लोग देखते होंगे इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, ए कॉमा बी, ये क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है, यानी इसका कोई ना कोई महत्व है। ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसको अगर ऐसे लिखते इसका कोई ना कोई महत्व, ए कॉमा बी अगर हम लिख दिए तो इसका कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो जिसका कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है वो एक ऑर्डर्ड पेयर है। अगर हम बी कॉमा ए की बात करें ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें क्या ये दोनों सेम है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। कैसे नहीं है? अगर हम पॉइंट 3.4 की बात करें, 3.4 की बात करें और 4.3 की बात करें, क्या ये सेम है? इसका कोई ना कोई इम्पोर्टेंस, इससे हम क्या समझ सकते हैं? इससे पहले तो हम ये समझ सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट दिया गया है। क्या दिया गया है? 3.4 एक पॉइंट दिया गया है जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट एक्सिस की तो ये कहीं 3.4 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक। लेकिन अगर हम 4.3 की बात करें, 4.3 की बात करें तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, है कि नहीं? तो देख रहे हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल सेम नहीं है, और इन दोनों का कोई ना कोई मतलब है। आप देख रहे हैं कि 3.4 का कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है, 4.3 का भी कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है। तो क्रमिक युग्म यानी ऑर्डर्ड पेयर वो होते हैं जहाँ पे
ये जो पेयर में आपको लिखे हुए जो टर्म्स मिल रहे हैं ए और बी, यानी दो अवयव यहाँ जो लिखे हुए हैं ए और बी, इन दोनों का कोई ना कोई महत्व होता है जिनको हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया जो ऑर्डर्ड पेयर, हम लोगों को ये एक छोटा सा टर्म था जिसको समझना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होता है एलेवंथ की जो पहली टॉपिक है, एलेवंथ में जो सबसे पहले बताई गई है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये जो बेसिक सेट के बारे में जान लिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ऑर्डर्ड पेयर समझ गए जिसका कोई ना कोई इम्पोर्टेंस होगा, और कॉमा से सेपरेट करते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग जो मेन टॉपिक जो एलेवंथ की थी वो थी कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप सब लोग सुने होंगे या फिर नहीं भी सुने होंगे तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, हम लोग अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, ये क्या होता है, यानी ये क्या है, क्रमिक गुणनफल। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्रमिक गुणनफल। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ये है क्या चीज। ठीक है, अभी हम लोगों ने सेट के बारे में जाना कि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है एलिमेंट। लेट से हमारे पास दो सेट है, कौन सा सेट है, एक सेट ए है और इसके अंदर कोई एलिमेंट है ए बी सी और डी। ठीक है, और मेरे पास एक और सेट है बी और इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3 और 4। एकदम ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना है, समझना है, इसको ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग तीन ही एलिमेंट रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दो कर लेते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग आसानी से इसको विद इन टाइम समझ सकें, कंसेप्ट समझना है, लेंदी नहीं करना है। ठीक है, बोरिंग नहीं करना है। चलिए अब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी क्रमिक गुणनफल क्या होता है, तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिनोशन की बात करें तो इसको हम लोग ए क्रॉस बी से लिखते हैं। अगर हम ए और बी सेट की बात कर रहे हैं तो इसे ए क्रॉस बी लिखते हैं, या फिर हम लोग बी क्रॉस ए की अगर बात करें तो बी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे कहीं अगर आपको लिखा हुआ है तो ये किसकी बात कर रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की, दो सेट होगी और दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। मैं समझाऊंगा कि ये इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है, ये हम लोग इस पे आएंगे। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या चीज। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि यहां जो सेट ए के जो हर एलिमेंट है, सेट ए के जो हर एलिमेंट है, यानी सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए है, बी है और सी है, और सेट बी में हमारे पास कौन से एलिमेंट है, 1 है और 2 है। तो यानी सेट ए का एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ जो भी रिलेशन बनेगा, जो भी रिलेशन बनेगा, यानी जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, हम लोग उन सब को 1 by 1 करके राइट डाउन करेंगे। बिल्कुल आसान है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपसे कोई पूछे तो सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी के साथ हम लोग पेयर बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर, इसलिए अभी हम ऑर्डर्ड पेयर की चर्चा किए थे। चलिए अब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। ए का किन किन के साथ बन सकता है, 1 के साथ 2 के साथ और 2 ही है, चलिए 2 ही है हमारे पास, सही है, तो हम लोग इनका बना लिए ए का। अब आते हैं हम लोग बी का, बी का किसके साथ है, 1 के साथ 2 के साथ। सी का क्या है, 1 के साथ और 2 के साथ। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके अब ऑर्डर्ड पेयर को लिखना स्टार्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए कॉमा 1, कॉमा से सेपरेट करेंगे, ये पहला ऑर्डर पेयर हुआ ए कॉमा 1। अब ए के साथ किसके साथ बन रहा है, 2 के साथ, तो ए के साथ हम किसको लिख लिए, 2 को लिख लिए। ठीक है, अब आते हैं बी पे, बी का पहला हो गया 1 के साथ और फिर बी किसके साथ हो गया, 2 के साथ। ठीक है, इसी तरीके से सी का 1 के साथ और सी का 2 के साथ, और इसको हम लोग करली ब्रेसेस में लिखते हैं। यानी अगर ए क्रॉस बी की बात करें हम लोग, ए क्रॉस बी की, ये जो ए क्रॉस बी है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है। ठीक है, हम लोग रिलेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि रिलेशन कैसे आया, तो उससे पहले इन चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए और यहीं से रिलेशन का जन्म हुआ है। ठीक है, तो यहीं से रिलेशन का जन्म हुआ है। अब ए क्रॉस बी हम लोग निकाल लिए कार्तीय गुणनफल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बी क्रॉस ए देखते हैं क्या होता है।
और फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी देख लेंगे। जैसे अगर हम ए क्रॉस बी की बात किए तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पहला जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, पहला अवयव अगर आप सारे ऑर्डर्ड पेयर के देखिएगा तो वो कौन सा एलिमेंट है, सेट ए के एलिमेंट्स है। किसके एलिमेंट है बाबू, सेट ए के एलिमेंट्स है, ठीक है। कब, जब हम ए क्रॉस बी को निकाल रहे थे तब। अगर हम बी क्रॉस ए की बात करें तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट होगा, यानी पहला एलिमेंट जो पहला अवयव होगा हमारा, वो अब सेट बी का होगा। अगर हम इसी सेट की बात करें, ये ए है हमारा और ये बी है, यहाँ पे वन है, ये टू है, ए बी और सी हमारे तीन एलिमेंट सेट ए में थे और बी में हमारे दो एलिमेंट थे, वन टू। अगर हम बी क्रॉस ए की बात करें तो अब बी के हर एलिमेंट का ए के सारे एलिमेंट के साथ का रिलेशन देखना है हम लोग को, तो वन का ए के साथ, वन का बी के साथ, वन का सी के साथ, इसी तरीके से टू का चलेगा ए के साथ, टू का चलेगा बी के साथ और टू का चलेगा सी के साथ। समझ में आ रहा बाबू? अब हम लोग इसको अगर लिखना चाहेंगे तो वन का ए के साथ, वन का बी के साथ, वन का सी के साथ, इसी तरीके से टू का ए के साथ, टू का बी के साथ और टू का सी के साथ। ये हो गया हमारा बाबू बी क्रॉस ए। आप देख पा रहे होंगे यहाँ का जो सारे ऑर्डर पेयर है उसका पहला जो अवयव है, पहला जो एलिमेंट है, वो किस सेट से बिलोंग कर रहा है बाबू, बी सेट से बिलोंग कर रहा है। आप समझ गए होंगे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या अंतर। अगर ए क्रॉस बी आपसे पूछे तो इस तरीके से हम ऑर्डर पेयर को लिखेंगे, जहाँ पे पहला एलिमेंट जो होगा हमारा, पहला अवयव जो होगा वो हमारा पहले सेट के एलिमेंट होने चाहिए और दूसरे वाले जो होंगे वो हमारे दूसरे सेट के एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई होप कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं होगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट बिल्कुल आसान है। ए क्रॉस बी पूछे तो ए के पहले एलिमेंट लेने हैं, बी के सारे एलिमेंट के साथ का ऑर्डर पेयर बनाना है। उसी तरीके से अगर बी क्रॉस ए पूछे तो बी को पहला एलिमेंट रखना है, उससे सारे एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बना देंगे तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। यानी ये ए क्रॉस बी हो गया। अब हम लोग इससे थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, एक मिनट का टाइम है। चलिए ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा आगे चलते हैं, वन बाय वन करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से। जो पहली बार आए हैं बिल्कुल निश्चिंत होकर फॉलो कीजिए हर एक लेक्चर को, ट्वेल्थ की मैथ्स बिल्कुल आसान लगेगी और गारंटीड 95 प्लस स्कोर आप लोगों को आराम से आएंगे। बिल्कुल फॉलो कीजिए, वन बाय वन सारे टॉपिक्स को क्लियर करते चलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के अप्रोच के साथ, ठीक है। हम लोग हर चैप्टर पे क्वेश्चन भी करेंगे और क्वेश्चन को करने का अप्रोच हम लोग यहाँ पे डील करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बस आप मेहनत करते रहिए, हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। आज के बाद से रिलेशन एंड फंक्शन में कोई डाउट नहीं रहेगा, रिलेशन एंड फंक्शन बिल्कुल क्लियर होगा और हर एक टॉपिक हमारा आगे इसी तरीके से क्लियर होते चलेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है हम लोग को। हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लिए, सेट ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट, तीन चीज़ों अभी तक हम लोगों ने देख चुका है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ के चलते हैं। अगर हम बात करें रिलेशन की, किसकी बात करें बाबू, रिलेशन की, ठीक है। अब हम लोग रिलेशन टर्म को समझते हैं, ये क्या है, ठीक है। एक बात बताइए, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन को अगर हिंदी में कहें तो संबंध कहते हैं। टीचर का स्टूडेंट के साथ क्या संबंध है, पेरेंट्स का उसके वार्ड के साथ क्या संबंध है, ब्रदर का सिस्टर के साथ संबंध, यानी एक का दूसरे के साथ का संबंध का जब बात करते हैं तो उसे ही रिलेशन कहते हैं। कहते हैं ना, ये बेसिक आसान भाषा में सब लोग यही समझते हैं रिलेशन को। अगर हम मैथ के टर्म में समझना चाहेंगे रिलेशन क्या होता है तो वो कुछ इस तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है। कैसे समझेंगे? जैसे अगर हम बोले मेरे पास दो सेट हैं, कौन से सेट है बच्चे, दो सेट हैं, ए है और बी है, ये वन है और ये फोर है, ये माइनस वन है, ये जीरो है और ये प्लस वन है, ठीक है।
मैंने यहाँ पे दो सेट्स लिखा है बच्चे, दो सेट्स लिखा है ए और बी। ए के अंदर मैंने तीन एलिमेंट्स को रखा है, माइनस वन, जीरो और वन, और बी के अंदर कौन से एलिमेंट है, जीरो और वन। क्या आप लोग को दिख रहा है ए और बी में कोई ना कोई रिलेशन है, यानी हम लोग जब भी रिलेशन की बात करेंगे तो कितने एंटिटी की जरूरत होगी बाबू, दो एंटिटी की जरूरत होगी। यानी रिलेशन एक आदमी खुद के साथ रिलेशन नहीं बता सकता है, एक आदमी दूसरे के साथ क्या, यानी रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को कितने चीज चाहिए, दो कंटेंट, दो एंटिटी चाहिए। तो हमारे पास दो सेट है ए और बी, यानी ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स है। अब इन दोनों के एलिमेंट के बीच का रिलेशन हम लोग को देखना है कि इन लोग के बीच का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं, अगर हम माइनस वन का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये वन आता है, ठीक है, और जीरो का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये जीरो आता है, और वन का स्क्वायर जब करते हैं तो ये वन आता है। ये चीज आप लोगों को दिख पा रही है क्या, ये सारे जो एलिमेंट है माइनस वन और जीरो और वन, ये किस सेट में है, ए सेट के एलिमेंट है। किस सेट के एलिमेंट है बच्चे, ए सेट के एलिमेंट है। और वन, जीरो और वन, यानी जीरो और वन किस सेट में आ रहे हैं बाबू, बी सेट में आ रहे हैं। यानी अगर हम बात करें रिलेशन की, ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले एलिमेंट जो ए सेट के जो एलिमेंट हैं उनका स्क्वायर करेंगे तो बी सेट, हम बी सेट के एलिमेंट्स हम लोग को मिलेंगे। यानी इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है कि पहले एलिमेंट यानी ए के जो एलिमेंट्स होंगे, ए के जो एलिमेंट्स होंगे उनका स्क्वायर करने के बाद हम लोगों को बी के एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस लोग इस यही चीज को, इसी चीज को अगर हम लोग किसी फॉर्म में लिखे, किसी फॉर्म में लिखे जो आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो समझ लेते हैं। रिलेशन को लिखने के लिए हम लोग दो फॉर्म का यूज करते हैं, किस फॉर्म का यूज करते हैं बेटा, दो फॉर्म का, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। किस फॉर्म को बाबू, रोस्टर फॉर्म। ये सब एलेवंथ में बाबू आप लोग पढ़े होंगे, ये सब ट्वेल्थ की चीज़ें नहीं है, आज हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं। एलेवंथ में जो जो टर्म्स हैं, इसलिए कि जो बच्चे नए हैं और जो बच्चे चाहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन को बिल्कुल स्टार्टिंग समझना, उनके लिए पहला क्लास हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स को कवर कब करेंगे, और जो पढ़ भी लिए हैं उनके लिए रिविजन हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोग फॉलो कीजिए इसको और थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, जो पढ़े हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है अभी बिल्कुल, क्या है कि जो न्यू है उनको भी कवर अप करवाना है हम लोगों को। तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, बहुत लोगों को पता होगा सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, तो सब लोग कोशिश कीजिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, अगर हम इसी रिलेशन को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, आर एक रिलेशन है जहाँ पे ए कॉमा बी जो होगा हमारा, या फिर एक्स कॉमा वाई अगर हम बात करें, एक रिलेशन है एक्स कॉमा वाई सच डैट जो हमारा एक्स स्क्वायर है बेटा, कौन सा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यानी एक्स, यानी और इसके आगे क्या लिख सकते हैं बेटा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। इसका क्या मतलब हुआ बाबू, इसका ये मतलब हुआ कि जहाँ पे एक्स जो होगा वो हमारा पहले सेट का एलिमेंट होगा और वाई जो होगा हमारा दूसरे सेट का एलिमेंट होगा, ठीक है बाबू। तो अगर हम एक रिलेशन यहाँ पे लिखे हैं, एक रिलेशन लिखे हैं, ये किस फॉर्म में बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में है। किस फॉर्म में बाबू, सेट बिल्डर फॉर्म में है, कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, यानी ये एक रिलेशन हम लोगों ने डेवलप किया है इन दो सेट के बीच में। तो इन दोनों सेट के बीच में एक रिलेशन मैंने यहाँ लिखा, एक रिलेशन। क्या कितने सारे रिलेशन पॉसिबल हैं अगर हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें तो इसको भी ध्यान में रखना है बेटा, इसको भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, लेकिन इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, क्या टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं। अगर दो सेट हमारे पास है ए और बी, अगर आपसे कोई पूछ देता है कि इन दोनों सेट के कितने रिलेशन पॉसिबल हैं, तो हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उसको याद रखना है बेटा, 2 to the power m into n, वेयर m क्या होगा बेटा, m क्या होता है,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और एन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है बेटा, यानी अगर हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें तो वो कितने हो सकते हैं बेटा, 2 to the power m into n, m into n, जहां पर m होंगे टोटल अवयव जो सेट ए में होंगे, यानी समुच्चय ए के टोटल अवयव और समुच्चय बी के टोटल अवयव, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है बाबू, क्रिस्टल क्लियर? तो अगर हम इसी चीज को अगर हम यहां पे देखेंगे इस सेट के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे बेटा, 2 to the power, पहले सेट में कितने एलिमेंट्स है, 1, 2, 3 इंटू, दूसरे सेट में कितने हैं बेटा, 2, यानी 2 to the power 6। इस पार्टिकुलर केस में टोटल कितने रिलेशन पॉसिबल है बेटा, 2 to the power 6, और यहाँ पे तो मैंने एक ही रिलेशन लिखा है। ऐसे बहुत सारे रिलेशन पॉसिबल हैं, यानी कितने पॉसिबल हैं, 2 to the power 6 रिलेशन पॉसिबल हैं, और एक रिलेशन उनमें से ये भी हम लोग डेवलप कर चुके हैं। ठीक है बेटा, अगर इसी की अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म तो देख लिए, अब हम लोग रोस्टर फॉर्म में अगर हम बात करें बेटा, रोस्टर फॉर्म में अगर हम बात करें इसी चीज को, रोस्टर फॉर्म में लिखने का भी तरीका देख लेते हैं बेटा। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अब ये सारे एलिमेंट का पेयर, पहला -1 उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1, दूसरा क्या होगा बेटा, 0, 0, और तीसरा क्या होगा बेटा, 1, 1। किसी बच्चे को कोई परेशानी, पहले एलिमेंट हमारे किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ए सेट से। पहले एलिमेंट किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं बेटा, ए सेट से, -1, 0 और 1, ये तीनों किसके एलिमेंट है बेटा, ए सेट के। और दूसरे एलिमेंट देख रहे हैं, जब ये रिलेशन किए मैंने इसका क्या किया, स्क्वायर किया, पहले एलिमेंट का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या आया बेटा, 1, 0 का स्क्वायर क्या आया बेटा, 0, 1 का स्क्वायर क्या आया, 1। ठीक है, तो ये जो 0, 1 जो आपको दिख रहा है, ये किस सेट के एलिमेंट है बेटा, बी, यानी ये रिलेशन का ये किस तरह का फॉर्म हो गया बेटा, रोस्टर फॉर्म। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए बेटा आप लोग, जल्दी से, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हम लोग को पहुंचना कहाँ है बेटा, रिलेशन पे। रिलेशन तो हम लोगों ने लिख लिया, अब ये है क्या, अभी जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है उससे कनेक्ट करेंगे इन चीज़ों को। ठीक है बेटा, देखो कैसे होता है, कनेक्ट करते हैं इसको, ये सब कनेक्शन है बेटा, पिछले टॉपिक्स जो होते हैं हमारे उसका कनेक्शन अगले टॉपिक से अगर आप कर पा रहे हैं तो आपके सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आएंगे आपको, और मैथ्स आपको एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथ्स। ठीक है, इसको इंटरेस्ट लेकर अगर आप पढ़िएगा और बारीकी से पढ़िएगा, एक पैटर्न में पढ़िएगा, तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग यही रिलेशन तो लिख लिए हैं, इसका कनेक्शन देखते हैं जो अभी हम लोग पढ़े थे। अभी हम लोग क्या पढ़े थे बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या पढ़े थे बेटा, अभी हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, अभी जस्ट पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। दो सेट का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें ए क्रॉस बी, क्या आप सब लोग हमको जल्दी से बता सकते हैं ए क्रॉस बी इस सेट के लिए क्या होगा, जल्दी से सब लोग अपने अपने कॉपी में नोट कीजिए इसको, ए क्रॉस बी कैसे होगा, ए क्रॉस बी क्या क्या हो सकता है, -1, 0, थोड़ा फास्ट लिखेंगे, क्या है कि आप सबको अभी जस्ट डील कर दिए हैं। क्लियर है बच्चे, ए क्रॉस बी यानी सेट ए के पहला जो अवयव होगा हमारा, पहला जो एलिमेंट होगा सेट ए से बिलोंग करेगा, आप देख पा रहे हैं -1, -1, 0, 0, 1, 1। ठीक है बेटा, -1, 0, 1 हमारे सेट ए के एलिमेंट से, और 0 और 1। ठीक है, तो यानी सेट बी के एलिमेंट्स, दूसरे वाले जो एलिमेंट होते हैं वो किससे होते हैं बेटा, सेट बी से।
और ये जो रिलेशन अभी हम लोगों ने लिखा है, ये रिलेशन जो बेटा हम लोगों ने लिखा है, क्या ये सारे जो चीज यहाँ पे जो मैंने लिखा है इस रिलेशन में, ये सारे इसमें लाई कर रहे हैं क्या? देखो तो बेटा, ये सारी इसमें लाई कर रहे हैं क्या? देखो, माइनस वन कॉमा वन यहाँ है, जीरो कॉमा जीरो यहाँ पे है, और वन कॉमा वन बेटा यहाँ पे है। क्या ये तीनों इसमें लाई कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो यानी इससे हम क्या समझे, जो रिलेशन होता है ना बेटा, उसका अगर हम डेफिनेशन की बात करें, एक रिलेशन जो होता है वो मैथ्स के टर्म में बेटा, ये एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के। किसके बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो ये याद रखना है, एक रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। क्या होता है बेटा? सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। समझ में आ रहा है सबको? यानी ये जो रिलेशन मैंने डेवलप किया था अभी, ये जो रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखा है वो किसका सबसेट है बेटा? ए क्रॉस बी का, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। यानी रिलेशन कहाँ से आया बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर हम समझ लिए तो रिलेशन को क्या कर लिए? समझ लिए। रिलेशन जो होता है बेटा वो कुछ नहीं होता है, इसी का सबसेट होता है, इसी का सबसेट होता है। यानी इसके सारे एलिमेंट, इस रिलेशन के सारे जो एलिमेंट्स, इस रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास है, माइनस वन कॉमा वन, जीरो कॉमा जीरो, वन कॉमा वन, ये सारे इसमें क्या करते हैं? लाई करते हैं। आप सब लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे, यानी रिलेशन जो होगा वो किसमें बेटा लाई करता है? वो एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया रिलेशन का। जल्दी से नोट डाउन करेंगे बेटा कि रिलेशन जो होता है वो क्या होता है? एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। और यहाँ पे इक्वलिटी भी लगा हुआ है, मतलब ये बराबर भी हो सकता है। तो हम लोग जल्दी से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। एक रिलेशन हम लोग लिखते हैं जहाँ पे देखते हैं कि क्या आर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होगा। ऐसा रिलेशन हम लोग लिखते हैं जहाँ पे आर बराबर होगा ए क्रॉस बी के, और वैसे रिलेशन को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहते हैं बेटा? यूनिवर्सल रिलेशन। जल्दी से एक एग्जांपल नोट डाउन करेंगे हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन के। जल्दी ये बेसिक्स को आज क्लियर कर लेते हैं, सो डैट हम लोग नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर ट्वेल्थ की जो पोर्शन है, हम लोग जो ट्वेल्थ में जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, जो भी चैप्टर्स दिए गए हैं, वन बाय वन उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग एक रिलेशन लिख लेते हैं जल्दी से बेटा। मेरे पास दो सेट है, वन टू और थ्री, और ये है बेटा फोर फाइव और सिक्स। ये दो सेट्स हैं हमारे पास ए और बी। ए के एलिमेंट है वन टू थ्री और बी के एलिमेंट है फोर फाइव सिक्स। अब हम लोग एक रिलेशन इनके बीच डेवलप करेंगे, ए और बी सेट। हमारे पास टोटल कितने रिलेशन पॉसिबल है बेटा? इसमें टोटल कितने रिलेशन पॉसिबल है? टू टू दी पावर थ्री इंटू थ्री। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? टू टू दी पावर नाइन रिलेशन पॉसिबल है इस दो सेट के बीच, अगर हम उनमें से एक रिलेशन लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग एक रिलेशन डेवलप करते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं R। R हम ऐसा ले रहे हैं, x कॉमा वाई का एक ऑर्डर पेयर होगा, सच डैट जो हमारा x प्लस वाई जो होगा बेटा, x प्लस वाई जो होगा बेटा वो हमारा लेस देन इक्वल्स टू नाइन होगा, लेस देन और इक्वल्स टू नाइन होगा। और जहाँ पे x जो होगा बेटा वो किससे बिलोंग करेगा बेटा? A सेट से बिलोंग करेगा, एंड y जो होगा बेटा वो किससे बिलोंग करेगा? B सेट से बिलोंग करेगा। यानी यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा रिलेशन लिखा है, x कॉमा y ऑर्डर्ड पेयर होगा, जहाँ पे x जो होगा वो हमारा A सेट से होना चाहिए, y जो होगा हमारा B सेट से होना चाहिए, और x प्लस y जो होना चाहिए वो हमेशा 9 से छोटा होना चाहिए। 9 से क्या होना चाहिए बेटा? छोटा होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन में अगर, ये तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म की बात करें इसको, तो कैसे लिख सकते हैं बेटा? x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू नाइन। चलिए ठीक है, वन प्लस फोर लेस देन इक्वल्स टू नाइन है, ठीक है। चलिए एक पेयर बन गया वन कॉमा फोर का, ध्यान देते रहेगा बेटा, ठीक है। कोई मिस्टेक होगा आप लोग इसको करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। वन कॉमा फोर, नेक्स्ट देखते हैं वन प्लस फाइव क्या होता है बेटा? सिक्स। ये भी आ गया रिलेशन में, वन प्लस सिक्स सेवन, ये तो लिख लिए, वन प्लस फाइव छूट गया। चलिए वन प्लस फाइव पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद 1 कॉमा सिक्स लिख लेते हैं, उसके बाद आते हैं 2 के साथ, 2 के साथ 4 का रिलेशन, 2 प्लस 4 सिक्स, ये भी 9 से छोटा है, इसको भी लिख लिए, 2 प्लस 5 सेवन, ये भी 9 से छोटा है, इसको भी लिख लिए, उसके बाद 2 प्लस 6 8, ये भी क्या है? 9 से छोटा है, इसको भी लिख लिया। अब 3 के साथ बनाएंगे सबका रिलेशन बेटा, समझ पा रहे हैं? 3 का 4 के साथ, तो 3 प्लस 4 सेवन होता है, ये भी आ गया, और 3 का 5 के साथ 3 प्लस 8, ये भी आ गया, और 3 प्लस 6
9, यहाँ पे इक्वलिटी लगा हुआ है, यानी ये भी इस रिलेशन में आएगा बेटा। समझ पा रहे हो सब? यानी ये हमारा हो गया ये रिलेशन का रोस्टर फॉर्म। ये रिलेशन का क्यों कौन सा फॉर्म हो गया बेटा? रोस्टर फॉर्म। तो हम लोगों ने अभी एक रिलेशन लिखा जहां पे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 होना चाहिए। x हमारा a सेट से बिलोंग कर रहा है, y हमारा b सेट से बिलोंग कर रहा है। ऐसा हम देख पा रहे हैं, x जो है हमारा वो a सेट से बिलोंग कर रहा है, 1, 2, 3 ये सब कौन से सेट के एलिमेंट है बेटा? 1 के, ए सेट के एलिमेंट है, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6 यानी ये किसके एलिमेंट है बेटा? पी सेट के। यानी ये रिलेशन को होल्ड कर रहा है, इस रिलेशन के कंडीशन को होल्ड कर रहा है। और यहाँ सारे एलिमेंट का अगर हम सम कर रहे हैं, x प्लस वाई हर केस में निकाल रहे हैं, तो देख पा रहे हैं कि ये 9 से क्या हो रहा है बेटा? छोटा हो रहा है या 9 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन मैंने यहाँ पे डेवलप किया, टोटल 2 to the power 9 रिलेशन थे, उनमें से एक रिलेशन को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर बेटा ए क्रॉस बी की बात करें, अगर हम यहाँ पे ए क्रॉस बी की बात करें इस पार्टिकुलर सेट के लिए, इस पार्टिकुलर सेट में अगर कोई बोले आपको ए क्रॉस बी बताने के लिए, तब ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे बेटा? 1 का 4, 1 का 5, 1 का 6 के साथ पेयर बनाएंगे। इसी तरीके से 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ बनाएंगे। 3 का इसी तरीके से 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ। समझ पा रहे हो सब? जब आप ऐसा करोगे ए क्रॉस बी निकालोगे, तो आप देखना बिल्कुल यही आएगा। क्या आएगा बेटा? बिल्कुल यही रिलेशन आएगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, आर बराबर क्या है हमारा बेटा? ए क्रॉस बी। R बराबर क्या है बेटा? A क्रॉस B। यानी इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? R यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कहते हैं बेटा? यूनिवर्सल रिलेशन। जहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या हुआ बेटा? जहाँ पे A क्रॉस B ही हमारा R का वैल्यू, वो रिलेशन में सारे एलिमेंट होंगे जो हमारे कार्तीय गुणनफल के ऑर्डर पेयर होंगे, यानी क्रमिक युग्म होंगे, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई परेशानी? तो 11th में एक बेटा ये टॉपिक था कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो हम लोगों ने देख लिया, और रिलेशन की बेसिक डेफिनेशन देख लिए, कैसे रिलेशन आया, रिलेशन कहाँ से डेवलप हुआ, सॉरी। और उसके बाद अब हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा आगे, ठीक है। इसको हम लोग रब करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना, मैं कमेंट्स आप लोगों की जरूर पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा सारे कमेंट्स को नेक्स्ट क्लास में सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है बेटा। तो एक भी चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। होप करते हैं कि आप लोग को अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी मदद मिल सके, ठीक है। चलिए, यानी अभी तक हम लोगों ने सेट देख लिया, सेट के बाद हम लोग ऑर्डर पेयर को समझ चुके हैं, उसके बाद हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को देख लिए, ये 11th के टॉपिक्स में आते थे, उसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं एक एम्प्टी रिलेशन की। आप लोग सुनते होंगे एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। अगर एम्प्टी रिलेशन कुछ नहीं होता बेटा, जैसे अगर हम आपसे पूछें कि आपका मुकेश अंबानी के साथ क्या रिलेशन है, मुकेश अंबानी के साथ आपका क्या रिलेशन है? आप बोलिए सर मेरा तो कोई रिलेशन नहीं है, हम उसको जानते हैं लेकिन वो हमको जानता ही नहीं है, मेरा कोई रिलेशन नहीं है उससे, ठीक है। तो यानी बहुत ऐसा केस आएगा जिस समय रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसको अगर हम मैथमेटिकल एग्जाम्पल में अगर देखें, ये तो सिंपल लैंग्वेज था, अब मैथ में समझते हैं कि रिलेशन एम्प्टी रिलेशन कब हो जाता है, ठीक है। एक रिलेशन बेटा हम लिख रहे हैं, हमारे पास वही सेट के एलिमेंट ले लेते हैं, 1, 2, 3 और 4, 5 दो ही एलिमेंट लेते हैं, ए और बी हमारे पास दो सेट है, एक में 1, 2, 3 और एक में 4, 5 है, ठीक है। इसको जल्दी से समझते हैं, कुछ नहीं होता है एम्प्टी रिलेशन। एक रिलेशन हम लोग लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, किस फॉर्म में बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म में। एक रिलेशन है एक्स कॉमा वाई सच डैट, जहाँ पे एक्स प्लस वाई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये एक रिलेशन लिख रहे हैं लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है बेटा। सच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, एक सिंपल सा रिलेशन मैंने लिखा है, एक रिलेशन है, ठीक है। कोई दिक्कत है? रिलेशन समझ में आ रहा है बेटा? एक रिलेशन हम लोगों डेवलप करने की कोशिश किए हैं, कि ऐसा हम लोग एक रिलेशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे एक्स प्लस वाई जो होना चाहिए वो लेस देन इक्वल्स टू 4 है, इक्वल टू लगा दीजिए, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 4 है।
कि हम लोग जहां पे x का एलिमेंट a सेट से लेंगे, y का एलिमेंट b सेट से लेंगे, ठीक है बेटा। तो अगर हम x प्लस y की बात करें, अगर x प्लस y इस केस में बात करें, पहले तो रिलेशन क्या, ऐसा एक भी एलिमेंट हमें मिल पाएगा क्या, ax प्लस y, 1 प्लस 4 कितना आ रहा है बेटा, 5 छोटा है क्या 4 से, नहीं तो ये नहीं आएगा। 1, 5 की अगर बात करें तो 1 प्लस 5 क्या होगा बेटा, 6, वो भी नहीं है इस रिलेशन को फॉलो करेगा। अगर हम 2 की बात करें, 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 5 7, ये दोनों भी नहीं आएंगे। 3 की बात करें, 3 प्लस 4 7, 3 प्लस 5 8, यानी इस रिलेशन में अगर हम इस सेट से बात करें तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। अगर रोस्टर फॉर्म में बात करें तो इसको हम लोग सिंपल 5 लिखते हैं, यानी नल सेट है ये। कौन सा सेट है बेटा, नल सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी इस रिलेशन को हम लोग किस तरह का रिलेशन बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन, जहाँ पे कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। इस रिलेशन की अगर हम बात करें, रिलेशन तो है लेकिन ये कैसा रिलेशन हो गया बेटा, एम्प्टी रिलेशन हो गया, इसमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हमें नहीं मिला है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो 11th में पढ़नी थी हम लोगों को। आई होप कि आप लोग का बेसिक्स क्लियर हो गया है। कल से बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कल से प्रॉपर 12th का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और है जो हमें, हमको लग रहा है कि बताना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कल थोड़ा 5 मिनट जो है स्टार्टिंग का, वो हम लोग किस पे बात करेंगे बेटा, डोमेन। सब लोग वाकिफ होंगे कोडोमेन और रेंज, यानी प्रांत, सहप्रांत और परिसर। प्रांत, सहप्रांत और परिसर, हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। सब लोग वाकिफ होंगे इन तीनों टर्म से, कोडोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। तो कल हम लोग थोड़ा सा इस पे फोकस कर लेंगे, कोडोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं और डोमेन क्या होता है, ठीक है। इन तीनों टर्म्स को डील करने के बाद हम लोग प्रॉपर 12th के सिलेबस में आएंगे, जहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन सबको बेसिक समझ में आ गया, रिलेशन कहाँ से आया, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। उससे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया अच्छे से, कोई भी अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलता है निकालने तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑर्डर पेयर को भी समझ चुके हैं, और फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम लोगों ने देख लिया टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, अगर कोई पूछता है तो वो भी निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद कल हम लोग थोड़ा सा इस पे फोकस करेंगे, डोमेन, कोडोमेन और रेंज पे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग, यानी नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी कल, उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे। मेनली फोकस हमारा क्लास 12 का सारा कंटेंट शुरू हो जाएगा कल से, टाइप्स ऑफ रिलेशन, जहाँ पे हम लोग को 3 टाइप्स पढ़ने हैं रिलेशन के, वो कल देख लेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये हम लोग कल करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे और उनका अप्रोच देखेंगे, कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं। और ये जो उसके बाद हम लोग देख लेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ये तीनों जो फॉलो करता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये सब चीज़ें हम लोग कल की क्लास में डील करेंगे 1 by 1। और होप करते हैं कि आपको बेसिक्स जो होंगे वो आपको पूरे क्लियर हो चुके होंगे। अभी जो हम लोगों ने देखा है सेट और रिलेशन की जो बेसिक्स थी वो हम लोगों ने कवर अप कर लिया है, जो 11th की टॉपिक थी, ठीक है। 11th में ही डोमेन, कोडोमेन और रेंज भी है, तो वो हम लोग कल की 2-4 मिनट में इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग प्रॉपर 12th क्लास की टाइप्स ऑफ रिलेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और नॉलेजेबल लगी, अगर आपको लग रहा है कि इससे आप कुछ सीख पाएँ, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। अगर कोई डाउट हुआ है तो वो कमेंट सेक्शन में डालिए, आप लोगों का कमेंट्स मैं देखूंगा और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही बेटा, मिलते हैं अगले क्लास में, जहां हम लोग प्रॉपर 12th की टॉपिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू, गुड बाय।